हमारे चाची श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने करवाया है। टारगेट कर लिया गया और ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है। दूर से ही देखा, हमारी गाड़ी जा रही थी, हमने दूर से देखा कि एक भीड़ जुटी हुई है ईंट और पत्थर लेकर। जान भी जा सकता था, हम गाड़ी मोड़ो यहाँ से निकलना है। हमारी चाची उनके लोगों को इस्तेमाल करके हमारी ही जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है। सीता सोरेन की बेटी विजयश्री ने अपनी चाची कल्पना सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। जयश्री ने कहा कि टेस जुड़िया गांव में झामुमो के वरिष्ठ नेता और उनके समर्थकों ने मेरे और मेरी बहन पर हमला करने की तैयारी कर रखी थी। लोग ईंट पत्थर के साथ रास्ते में भीड़ जमा थी। हालांकि परिस्थिति को भांपते हुए हम वहां से किसी तरह निकल गए। उनके साथ उनकी बहन जयश्री के अलावा भाजपा के नेता सत्यानंद झा बाटुल चुनाव प्रचार में निकले थे। दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन की बेटी जयश्री ने कहा कि हमें इस बात की पक्की जानकारी मिली है कि वहां मौजूद भीड़ झामुमो कार्यकर्ताओं की थी। जयश्री ने यह भी कहा कि हमें जानकारी मिली है कि ये सारी साजिश हमारी चाची ने रची थी जो झामुमो चला रही है। और कल जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मैं और मेरी बहन छोटी बहन राजश्री गए थे। जनसंपर्क प्रोग्राम के दौरान लगभग 5 बजे हमारा कार्यक्रम हो रहा था तेस जुड़िया गांव में नाला में। तो हम जा रहे थे और रास्ते में हमने दूर से ही देखा, हमारी गाड़ी जा रही थी, हमने दूर से देखा कि एक भीड़ जुटी हुई है ईंट और पत्थर लेकर। और हम थोड़ा घबरा गए, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी, तो हम थोड़ा और घबराए। तो हमने तुरंत बोला कि गाड़ी मोड़ो यहाँ से निकलना है। तो हम लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले और हमें बहुत लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद घर जाकर के पता चला कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोग थे। और वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो, उस टीम को उनका बेटा लीड कर रहा था। और बाद में पता चल रहा है कि ये हमारे चाची श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने करवाया है। और इस ऐसी चीज़ों का हम कड़ी निंदा करते हैं और बहुत ख़राब भी लगता है कि जिस पार्टी को मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी को मेरे दादाजी ने खड़ा किया, आज हमारी चाची उनके लोगों को इस्तेमाल करके हमारी ही जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है। हमको अफसोस लगता है इन पे कि ये विकास का काम करने के बजाय ये सब क्यों कर रही है। अब लोगों के विकास के प्रति काम करे, उनके विकास के लिए बात करे, ये जो भी गलत चीज़ होता है उनको छुपाने का काम करती है और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार छुपाओ, झारखंड झुकेगा नहीं। भाई भ्रष्टाचार करके झारखंड को आप ही झुका रहे हैं। अगर आप लोग वहां से नहीं भागते तो क्या संभावना हो सकता था कि हम लोग के साथ कुछ गलत हो जाता, कुछ चोट लग जाता, जान भी जा सकता था। मेरे को नहीं लगता जान से मारेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता था घटना। मतलब कि हम दोनों दो लड़कियां हैं, अपनी मम्मी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब जो रविंद्रनाथ महतो जी हैं, वो संवैधानिक पोस्ट पे रह के भी JMM का प्रचार कर रहे हैं ओपनली, वो कैसे कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है क्या? यहाँ गुंडा राज नहीं चलेगा। अब दुमका की जनता भी समझ चुकी है यहाँ पे गुंडा राज नहीं चलेगा। कल जो वाक्या हुआ उसके खिलाफ कहीं लिखित कंप्लेन आपने दर्ज कराया या कराने वाली है? अब पता चल गया है तो जरूर दर्ज कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। मतलब मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होना ही है, लेकिन हम हर ऐसी घटिया हरकतों का डटकर मुकाबला करने वाले, चाहे मेरी जान जाए या जो भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह का जो घटना हुआ है ये बहुत ही घटिया हरकत बोला जाता है। और इस तरह की जो घटिया हरकत हमेशा JMM में रहने वाले जो कार्यकर्ता है, जो और उस पार्टी को जो अभी लीडिंग कर रही है जो महिला, पूरे तरह से पता चला है कि वहाँ से भेजा गया था और उनका पूरे तरह से मंशा ही बहुत गलत था। और जबकि आप लोग
लेकिन कि बेटी लोग है वो अपने माँ के लिए किस तरह से वोट मांगने के लिए लोग गई हुई थी दोनों जो मेरी बेटी और पूरे तरह से टारगेट कर लिया गया और ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।